अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी YouTube फैमिली। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हमारे किचन में हमने दो तरह की सॉस बनाई है और एक कोस्लो बनाया है, जो बर्गर में तीनों चीज़ें यूज़ होती हैं और बर्गर बहुत यमी बनता है। इन तीनों चीज़ों के साथ जब हम बर्गर बनाते हैं, चिकन बर्गर या कोई भी बर्गर, तो वो बहुत यमी बनता है। ये मैंने रेड बर्गर सॉस बनाई है, बहुत मज़ेदार बनती है। ये ग्रीन बर्गर सॉस बनाई है, जो कि बहुत अच्छी बनती है। और कोस्लो, ये सारी चीज़ें हैं बर्गर में जब हम यूज़ करते हैं बर्गर बनाने में, तो ये बहुत मज़े की बनती हैं। तो चलें इन तीनों चीज़ों को बनाना शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो थम्स अप दें, और साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दें, ताकि जो भी मैं वीडियोज़ अपलोड करूँ वो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो चलें ये तीनों चीज़ें बनाना शुरू करते हैं। ग्रीन सॉस बनाने के लिए सबसे पहले मैं हाफ कप मेयोनीज ले लूँगी। टू टेबल स्पून गार्लिक सॉस, हाफ टी स्पून चिकन पाउडर, 1/4 टीस्पून हम ब्लैक पेपर पाउडर डाल देंगे, हाफ टी स्पून शक्कर डाल देंगे, 1/4 टीस्पून से भी कम 2 पिंच हम सॉल्ट नमक डाल देंगे, 2-3 ड्रॉप्स ग्रीन कलर के डाल देंगे हम, 2 या 3 कतरे में ग्रीन कलर के डाल दूंगी इसमें। मिक्स कर लेंगे इसको अच्छी तरह से। ग्रीन फ्रूट कलर हमने इसमें यूज़ किया है। अच्छी तरह से हमने सब चीज़ों को मिक्स कर लिया। ग्रीन सॉस बिल्कुल तैयार है। रेड सॉस बनाने के लिए, रेड बर्गर सॉस बनाने के लिए सबसे पहले हम 4 टेबल स्पून मेयोनीज ले लेंगे। टू टेबल स्पून टमाटो केचप, 2 टेबल स्पून चिली गार्लिक सॉस भी इसी में डाल देंगे, 1/4 टीस्पून गार्लिक पाउडर लहसुन पाउडर इसमें डाल देंगे, 1/2 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून नमक डाल देंगे। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। सारी चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें इसको अच्छा सा रेड कलर देने के लिए हम इसमें 2 कतरे रेड कलर के ऐड कर देंगे, ताकि इसमें अच्छा सा रेड कलर आ जाए। रेड फूड कलर के हमने 2 ड्रॉप्स यूज़ किए हैं इसको अच्छा सा कलर देने के लिए। अब इसमें 1/2 टी स्पून चिकन पाउडर डाल देंगे, मिक्स कर लेंगे इसको अच्छी तरह से। रेड सॉस बिल्कुल तैयार हो चुकी है। 1 कप मैंने बंद गोभी ली है, जिसको इस तरह से काट लिया है बारीक बारीक। अब इसके अंदर हम 1/2 कप मेयोनीज डाल देंगे। वन फोर टीस्पून काला मिर्च पाउडर, मिक्स कर लेंगे इसको अच्छी तरह से। मिक्स कर लिया है सब चीज़ों को अच्छी तरह से। कोस्लो बिल्कुल तैयार हो चुका है। नमक हम इसमें बिल्कुल ऐड नहीं करेंगे। कोस्लो अब हमारा बिल्कुल तैयार है। तैयार है हमारी रेड बर्गर सॉस, ग्रीन बर्गर सॉस और कोस्लो। इन तीनों को जब आप बर्गर में यूज़ करेंगे तो बर्गर बहुत ही यम्मी बनते हैं। तो ये तीनों चीज़ें मैंने आपको बनाना सिखाई हैं, ये आप ज़रूर ट्राई करिएगा। ये तीनों चीज़ें बहुत यम्मी बनती हैं, और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कैसी बनी हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।